जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिया शर्मा पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गुणा करना सिखाने वाले हैं। गुणा में भी आप लोग देख सकते हैं, एक अंक का, दो अंक का, दो अंक का और तीन अंक का गुणा करना सिखाने वाला हूं। दोस्तों, ये वाला सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी इस वीडियो सवाल को भी आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चलो हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। क्या है, हमें यहाँ पर क्या है, ऊपर तीन दिया है, चार दिया, गुणा हमें किससे करना है, दो से करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर जो पहली संख्या होती है इस संख्या का हम उतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, दो का पहाड़ा तो आपको पता ही होगा, दो का पहाड़ा हम तीन बार पढ़ेंगे। तो दो एक कम दो, दो दो चार, दो तीन छः, छः आ गया ना। अब छः जो आया है, छः को हम यहाँ पर लिख देंगे, बस आपको इतना करना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी करना है। क्या है, यहाँ पर चार है ना, तो दो का पहाड़ा हम लोग चार बार पढ़ लेते हैं। दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चक्कू आठ। ठीक है, दो चक्कू कितना हो गया, आठ। तो आठ हम यहाँ पर लिख देंगे। आपको बस ऐसे ही गुणा करना है। मैं आपको लेकिन ये वाले सवाल देखते रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे, मैंने बहुत जल्दी आपको यह करना सिखाऊंगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, क्या है, चार का पहाड़ा तीन बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते, चार एक कम चार, चार दूनी आठ, चार तीन बारह। बारह के कितने लिखेंगे, बारह के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दो, हासिल कितना बचेगा, हासिल बचेगा एक। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चार का पहाड़ा पढ़ेंगे पांच बार, तो चार पंचे कितना हो जाएगा, बीस। और हासिल इसमें से तो बीस हो जाएगी इक्कीस, इक्कीस का कितना लिखेंगे, एक लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, दो बचेगा। ठीक है, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब चार का पहाड़ा पढ़ेंगे छः बार, तो चार छंग कितना हो जाएगा, चौबीस। चौबीस और दो इसमें से हासिल बचे थे ना, तो चौबीस और दो कितना हो जाएंगे आपके, छब्बीस। छब्बीस हम दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, बस आपको इतना करना, आपको कुछ नहीं करना। इस तरीके से हमने एक अंक वाले सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दो अंक वाले सवाल की ओर बढ़ते हैं, फिर हम लोग दो तीसरे अंक वाले को भी, इसको भी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हम पाँच का पहाड़ा पढ़ेंगे छः बार, फिर हम पाँच का पहाड़ा दो बार, फिर पाँच का पहाड़ा तीन बार, फिर पाँच का पहाड़ा पाँच बार। पहले तो हम पाँच से उस पूरी संख्या को गुणा करेंगे, फिर हम तीन से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा दोस्तों, पांच का पहाड़ा छह बार पढ़ लेते हैं, तो पांच का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो पहाड़ा तो सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी आप इस तरीके के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप इस तरीके के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों क्या है, पांच का पहाड़ा हमें छह बार पढ़ना है, तो पांच छक्का कितना होता है, तीस। कितना होता है, पांच का तीस, तो तीस का लिखेंगे यहां पर जीरो, हासिल कितना बचेगा, तीन बचेगा। फिर क्या करेंगे, पांच का पहाड़ा पढ़ेंगे दो बार, पांच एकम पांच, पांच दूनी दस, और तीन इसमें से हासिल बचे थे ना हमारे, तो दस तीन तेरह, तेरह के तीन, हासिल कितना बचेगा, एक बचेगा। फिर पांच का पहाड़ा पढ़ेंगे चार बार, तो पांच चक्कू बीस, और एक इसमें से हासिल, तो बीस और एक इक्कीस हो जाएगा, इक्कीस का हम लोग एक लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, दो बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पांच का पहाड़ा पढ़ेंगे पांच बार, तो पाँच बचे पच्चीस, पच्चीस और दो इसमें से हासिल, पच्चीस दो सत्ताईस, सत्ताईस के हम लोग कितने लिखेंगे यहाँ पर, सत्ताईस के सत्ताईस हम यहाँ पर लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने एक अंक से इसको गुणा कर लिया। अब दूसरे अंक से गुणा करेंगे, तो दूसरे अंक से गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक संख्या छोड़ेंगे, इसके पहले जितनी भी संख्या होती है, जिस संख्या से हम लोग गुणा करते हैं उसके पहले यहाँ पर जितनी संख्या होगी उतनी संख्या आपको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, फिर हम लोग यहाँ से गुणा करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब तीन का पहाड़ा पढ़ते हैं छह बार, तो तीन छाक अठारह, अठारह के कितने लिखेंगे यहाँ पर, अठारह के आठ लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, एक बचेगा। फिर तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे दो बार, तो तीन दूनी छः और एक इसमें से हासिल, तो छः और एक सात, सात हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे चार बार, तो तीन चक्कू बारह, बारह के हम लोग दो लिखेंगे, हासिल तो हमारे पास कुछ था नहीं, तो बारह के दो लिख दिए, हासिल कितना बचा, एक बचा। फिर तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे पाँच बार, तो तीन पचे पंद्रह और एक इसमें से हासिल, तो पंद्रह और एक सोलह, सोलह के कितने लिखेंगे यहाँ पर, सोलह के हम सोलह यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हमारा अभी ये राइट आंसर नहीं आया, राइट आंसर हमारा तब आएगा जब इन दोनों संख्याओं को हमने गुणा करके इनका राइट आंसर निकाला है ना, इनको हम आपस में जोड़ेंगे तब हमारा राइट आंसर यहां पर आएगा। जीरो के नीचे कुछ भी नहीं, तो जीरो, आठ तीन ग्यारह का एक, सात और एक आठ और एक इसमें से हासिल हो जाएगा नौ, सात दो नौ, छः दो आठ, और एक को हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने ये तीन सवाल तो कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं इन दो सवालों की ओर, क्योंकि ये दो सवाल आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों इन दो सवालों को आप जरूर देखिएगा, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो हम दोस्तों इन दो सवालों को भी सीख लेते हैं। तो हम सबसे पहले इस पहले सवाल को समझेंगे, फिर हम लोग इस सवाल को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चार से करेंगे इस पूरी संख्या को गुणा, फिर करेंगे छः से जैसे कि हमने इसमें किया था। तो चलो करते हैं, चार का पहाड़ा पांच बार पढ़ेंगे, तो चार पंचे बीस, बीस का कितना लिखेंगे जीरो, हासिल कितना बचेगा, दो बचेगा। तो अब चार का पहाड़ा दो बार, तो चार दूनी आठ, दो इसमें से हासिल, तो आठ दो दस, दस का कितना लिखेंगे जीरो लिखेंगे, हासिल कितना बचा, एक। फिर चार का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे चार बार, तो चार चक्कू सोलह और एक इसमें से एक हासिल बचा था ना, सोलह और एक सत्रह, सत्रह के कितना लिखेंगे सात, हासिल कितने बचे, एक। फिर चार का पहाड़ा पढ़ेंगे तीन,
तीन बार, तो चाटते हैं 12 और एक इसमें से हासिल, तो 12 और एक 13, 13 के कितने लिख देंगे हम लोग, 13 के 3 लिख देंगे यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से हमने एक संख्या से इस गुणा को कंप्लीट किया है। अब दोस्तों हम दूसरी संख्या से करेंगे, लेकिन जब दूसरी संख्या से करेंगे इससे पहले कितनी संख्या, एक है ना, तो इस संख्या को हम यहाँ पर एक छोड़ देंगे, फिर हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे ना कि यहाँ से, ठीक है। फिर 6 का पारा पढ़ेंगे 5 बार, तो 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल कितना बचा, 3 बचा। फिर 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 के 5 हासिल कितना बचे, 1 बचा। फिर 6 का पारा पढ़ेंगे 4 बार, तो 6 चौक 24, 24 और एक इसमें से हासिल, 24 इसमें से एक हासिल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 25, 25 के 5 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 6 का पारा पढ़ेंगे 3 बार, तो 6 थे 18, 18 और 2 इसमें से हासिल, 18 2 कितना हो जाएगा 20, तो 20 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये करना है कि जो संख्याओं से हमने गुणा किया है उनको हमें आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ते हैं, आपको जोड़ना तो आता ही होगा, जैसे कि हमने इसमें जोड़ा था, 0 के नीचे कुछ भी नहीं, 0, 0 0 को जोड़ेंगे तो भी 0 ही आएगा, और 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हो जाएंगे, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 3 8 और 1 हासिल हो जाएगा 9, एक जीरो को जोड़ेंगे एक आ जाएगा, दो यहाँ पर है, दो को हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट सवाल की ओर, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की ओर, ठीक है। अब सबसे पहले 3 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, ठीक है। देखिएगा, 3 का पारा 6 बार पढ़ेंगे, 3 6 18 के 8 हासिल कितना बचा, 1, फिर 3 दूनी 6, 6 और 1 इसमें से हासिल 7 हो जाएगा, फिर 3 3 9, फिर 3 चकू 12 के 2 हासिल के बचा 1, फिर 3 7 21 और 1 22, तो 22 दोस्तों हम यहां पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, तो एक संख्या हम लोग छोड़ेंगे, तो यहां पर एक गुणा का चिन्ह लगा दिया और हमने एक संख्या को यहां पर छोड़ दिया है। अब देखिएगा, 4 का पारा 6 बार, तो 4 छंग 24, 24 के 4, 24 के 4 हो गया, फिर 4 का पारा पढ़ेंगे 2 बार, तो 4 दूनी 8 और 2 इसमें से हासिल, तो 8 2 10 का 0 हो जाएगा, फिर 4 का पारा पढ़ेंगे 3 बार, चलाते हैं 12, 12 और 1 इसमें से हासिल, 12 1 13 हो जाएगा, 13 के 3 लिख दिए, फिर 4 का पारा पढ़ेंगे 4 बार, तो 4 6 16 और 1 इसमें से हासिल, 16 1 17, 17 के 7 लिख देंगे, फिर 4 का पारा पढ़ेंगे 7 बार, तो 4 7 28, 28 और 1 इसमें से हासिल, तो 29 हो जाएगा, 29 के 29 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम तीसरी संख्या 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो से पहले कितनी संख्या है, 1 और 2, तो यहां पर हम 1 और 2 संख्याओं को छोड़ करके यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे ना कि यहां से, ठीक है। फिर 2 का पारा पढ़ेंगे 6 बार, तो 2 छंग 12, 12 के 2, फिर 2 दूनी 4 और 1 एक इसमें से हासिल बचा था ना, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 लिख दिया हमने। फिर 2 का पारा 3 बार, 2 3 6, फिर 2 का पारा 4 बार, 2 चक्कू 8, फिर 2 का पारा 7 बार, 2 7 14, तो यहां पर हमने 14 लिख दिया है। अब दोस्तों इसका राइट आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिन जिन संख्याओं से यहां पर हमने यहां को गुणा को कंप्लीट किया है उन संख्याओं को हमें आपस में यहां पर जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिएगा दोस्तों, 8 के नीचे कुछ भी नहीं, 8 लिख दिया, 7 4 11 का 1 लिख दिया, हासिल बचा 1, 9 0 9 और 2 11 और 1 इसमें से हासिल 12 का 2 लिख दिया, 2 और 3 5, 5 10 और 1 इसमें से हासिल 10 और 1 11 का 1 लिख दिया, 7 2 9 कितना 6 15 हो जाएगा, 15 और 1 इसमें से हासिल, तो 15 1 16 हो जाएगा, 16 के 6 लिख देंगे, फिर 2 और 9 11 हो जाएगा, 11 8 19 हो जाएगा और 1 इसमें से हासिल, 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, 20 का 0 लिख देंगे, 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 हम लोग यहां पर लिख देंगे और 1 हम लोग यहां पर उतार लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने ये चारों पांचों के पांचों सवालों को कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।